जय जवाहर, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखत हो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर धमतरी ले, वही धमतरी जिला धनहा धमतरी कहे जाते, वही धमतरी जहाँ के मुंगड़ी मूंग बड़ा जिन है वो रायपुर और देश के कई कोना में मिलते, और जिन रायपुर के आदमी जिन है वो मूंग बड़ा खायला धमतरी तक आते। ऐसा है धमतरी, लेकिन कार्यक्रम ला शुरू करे के पहली, गदर ला शुरू करे के पहली एक आग्रह, एक निवेदन कि आज जब मैं बहुत साल के बाद धमतरी पहुंचा तो मुझे लगा कि धमतरी शहर को घूमना चाहिए। तो मैं आज धमतरी शहर में जब घूम रहा था व्हाइट शर्ट पहने हुए, तो थोड़े देर बाद उस व्हाइट शर्ट का कलर बदल गया। उस व्हाइट शर्ट का कलर जो है धूल दूसरी वो व्हाइट शर्ट, तो मुझे लगा कि नहीं, धमतरी में काम करने की आवश्यकता है। फिर मेरा मन किया कि मैं, मेरी घड़ी थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी, मुझे वक्त जो है मिलाना था, तो मुझे लगा कि घड़ी से घड़ी मिला लेता हूं, तो वो घड़ी भी जो है पीछे चल रही थी। तो मैं चाहता हूं आपकी तालियां बताएं कि ये बात सही है कि नहीं है। सवाल गुरमुख सिंह होरा जी, आपसे सवाल, वादों को लेकर सवाल, आपके कार्यों को लेकर सवाल, और रही बात धरना की, गुरमुख सिंह होरा जी, जी आप बोलें। क्या बोल रहे हैं, किसका जवाब चाहिए, एक एक करके ले लें मेरे से, क्या है उसको बताएं। अगर प्रेम से अगर पूछेंगे तो निश्चित ही आवाज सही रहेगी और समझ में आएगा। ये एग्रीमेंट जो हुआ था ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे होने के कारण, वो कोर्ट पे जाने के लिए तैयारी करते हैं जब कोई बात आती है, तो जो रेट है उसको कम करने की बात करते हैं तो भी वो करने को तैयार नहीं है। और जो गेट में जो टैक्स ले रहे हैं ये आज से नहीं ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब से ये रेट जो है वो ले रहे हैं, और निश्चित है उसमें लोगों के जेब से पैसा निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को देख ले, ताकि उस पर अपने को समझ में आए कि क्या हुआ है और क्या जी नहीं। रंजना जी कुछ बोलना चाहती, कम शब्दों में। जी आदरणीय होरा जी, जिस विषय को बता रहे हैं आपको मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। अभी तो आपकी पार्टी किसने मना किया है आपकी पार्टी, आप चाहते जनता के हित में यदि आप बात करते तो आप टैक्स रुकवा दीजिए। हमारे युवा साथी कह रहे हैं धमतरी की युवा जनता परेशान है, उनको निहारना है गंगरेल बांध। यदि अभी तो आपकी पार्टी, आप क्यों भाजपा में जा रहे हैं? 15 साल की है भाजपा, तो 5 साल की आपकी पार्टी है। ये सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता है, अगर साफ नियत होती, चाहे विधायक जी से बात करूं, चाहे विधायक मैडम से बात करूं, अगर साफ नियत होती तो आज धमतरी जिला के गंगरेल बांध में इतनी समस्या उत्पन्न नहीं होती। आदरणीय होरा जी, उनकी सरकार है, वो बात करें मुख्यमंत्री जी से, आग्रह करें कि हमारी जनता, धमतरी की जनता और जितने अन्य जो टूरिस्ट आते हैं उनको अनावश्यक रूप से पैसा देना पड़ता है। ये वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है धमतरी के संदर्भ में, देख पाते हैं तो इसको मना कर दीजिए भाई। बड़े पत्रकार हैं, आपको प्रदेश के लोग देखते हैं। आपने कहा कि जब मैं धमतरी में आया तो सफेद शर्ट पहन के आया और घूमा तो वो शर्ट ब्राउन हो गई, धूल से हो गई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हाँ हुई, क्योंकि 15 साल इनका शासन था सर, गड्ढे में इन लोगों ने सड़क किया, सड़क को गड्ढा नहीं किया, बात नंबर एक। बात नंबर दो, इन्होंने कहा कि इस जिले में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया। इसी जिले से स्वास्थ्य मंत्री थे, मेडिकल कॉलेज के लिए गुरमुख सिंह होरा ने अनेकों बार प्रयास किए, लाने नहीं दिया। विजय मोटवानी जी ने कहा कि इस प्रदेश में कितने घोषणाएं हुई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 36 घोषणाएं हुई थी, उसमें से 34 पूरी हुई। और उन्होंने कहा कि अभी एक्साइज में शराब का आबकारी घोटाला हो गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस आरोप में आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया जेल में है, वही आरोप रमन सिंह पे लगा है, वो बाहर क्यों घूम रहा है? दारू वाले बाबा, चाउर वाले बाबा, व्यक्तिगत एक। और पांचवी बात, इन्होंने कहा जो आरोप लगाया कि रेप पे,
रेत पे इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और ये और फलाना और ढिमकाना। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जिले पंचायत का सदस्य वहाँ लड़ाई हुआ वो लोग अवैध वसूली करते हैं। हम आपके साथ हैं विधायक जी से कहिए कि हमारे साथ चले और रेत का खनन को बंद कराएं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी बातें होंगी मैं आपसे आग्रह करता हूँ जो भी बातें हो मर्यादित हो अच्छा लगेगा जी। देखिए इन्होंने इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं कि इनके जिला पंचायत सदस्य वहाँ वसूली कर रहे थे उसी कारण लड़ाई झगड़ा हुआ। वो आपके साथ जाने के लिए तैयार, हम भी आपके साथ जाने के लिए तैयार, कोई बात नहीं सब जाने को तैयार है तो क्या दिक्कत है। रंजना जी, संदीप जी, ये जहाँ बोले हम तैयार हैं, हम तभी के विकास के लिए, ये जहाँ बोले जिस दरवाजे में बोले, मैं यहाँ की जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं तैयार हूँ, अभी मैं तैयार हूँ, मैं तो जी। क्लोजिंग, देखिए देखिए शिक्षक, देखिए रेल के खनन के कारण, देखिए मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं संभाल रही है तो बोलो, अभी चलिए, अभी चलिए, अभी चलिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। रेत के खनन के लिए आपको आपकी जवाब, मैं तैयार हूँ, चलिए चलिए। रेत के खनन के लिए जो शिक्षक, रेत के खनन के लिए जो शिक्षक की मौत हुई, मैं उसके लिए कहता हूँ अरे मर गया जब मिटने वाला फिर सलाम आएगा। ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, मेरा एक बात कहना है कि केंद्र में जो सरकार है वो भी कहता है कि मैं ओबीसी की सरकार है, राज्य में सरकार है वो भी ओबीसी की सरकार है, जिस देश के अंदर में घोड़े गधे की गिनती होती है ओबीसी समाज की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है। और ये अच्छा गंभीर सवाल है आपका जी। नहीं, मेरा कहना यह है कि जिस देश में गधे घोड़ों का गिनती होती है, शेर भालू का गिनती होता है, पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं हो रही, क्यों जाति जनगणना नहीं हो रहा है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है ना राज्य सरकार। अच्छा सवाल है। वैसे ये तीनों जो हैं ये केवल चर्चा कर पाएंगे दादा इस विषय पर, लेकिन ये विषय केंद्र का है, लेकिन आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जी। मैं रंजना जी आपके पास भी आऊंगा। होरा जी एक बार रुकिए, आप जनता के वहां से सवाल लीजिए, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा जनता का सवाल ले लें जी। मैं पूर्व विधायक से प्रश्न करना चाहती हूं, आप 10 साल तक विधायक थे, आपने 10 साल धमतरी के विकास में क्या किया है? आप विधायक बनने से पहले वादा किए थे कि मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा, क्या किया आपने? विद्यार्थियों को 10 साल तक गुमराह करने का काम आपके द्वारा किया गया है। ना पीजी कॉलेज के लिए आपने कुछ किया, ना गर्ल्स कॉलेज के लिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज खुल गया लेकिन धमतरी में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? 10 साल तक आप क्या किए हैं? मैं सभी राजनीतिक मुद्दे को खारिज करते हुए सिर्फ स्टूडेंट की बात करना चाहता हूं। मैं माननीय होरा जी से पूछना चाहता हूं कि महापौर जी तो यहां पास नहीं है, आप उनके सानिध्य करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 सिटी बस संचालित था हमारे धमतरी शहर में जो आम जनता और स्टूडेंट को सुविधा प्रदान करता था, वो 5 बस में से एक गायब हो चुका है, अभी चोरी हो चुका है, तो एक चोरी ठीक है। मैं अभिषेक अभिषेक से सवाल लेंगे। अभी रजत जी ने कहा जैसे कि दारू वाले बाबा, रमन सिंह जी को दारू वाले बाबा ने कहा, कोविड पीक पॉइंट नहीं था, कोविड में पीक पॉइंट नहीं था, उसके बाद भी हमने ऑनलाइन एग्जाम दिलाई और दारू घर घर बिके, तो आप अपनी सरकार को कौन से वाले बाबा बोलते हैं? आप अपनी सरकार को कौन से वाले बाबा बोलते हैं? जब रमन सिंह जी को दारू वाले बाबा बोलते हैं तो आप अपनी सरकार को कौन से वाले बाबा? अभी 2 वर्ष तक NSUI ने मांग की कि घर पेपर ऑनलाइन, और मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, अभी 80% विद्यार्थी फेल है, 0 नंबर मांगे तब NSUI कहा है, आज हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तब कहा है NSUI के कार्यकर्ता? ठीक है ठीक है, आप क्या बोलेंगे जनता के सवाल? जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरह के जनता के सवाल चल रहे हैं, पीछे से लेते जाए। मैं पूर्व विधायक और विधायक जी से एक सवाल करूंगा, सभी लोग रोड धूप बैठे हल्ला करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार रही या कांग्रेस की सरकार, हमारे धमतरी जिले अस्पताल में ऐसा क्या चीज बना जिसमें गरीब लोगों का इलाज हो सके? ढंग से एम्बुलेंस नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, मर्चुरी जाके देखो इतना कीचड़ है। आप 10 साल हो गया मुझे इस क्षेत्र में काम करते, एम्बुलेंस चलाते, 8 से 10 हजार मरीज डेड बॉडी फ्री में लाना ले जाना कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है,
लेकिन कोई विधायक या कोई पार्टी के आदमी सहयोग नहीं किए। अस्पताल की स्थिति जर्जर है, 2 बजे ब्लड बैंक बैंक, 5 बजे चालू, डॉक्टर अपने हिसाब से आ रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है धमतरी जिले में स्वास्थ्य, जो अब तक कुछ नहीं हो पाया। और ये पार्टी और विपक्ष पक्ष शेर शेर होता है, चाहे वो जंगल में रहे चाहे पिंजरे में रहे, पक्ष में रहो चाहे ना रहो। और भी सवाल लें, और भी सवाल लें, और बहुत सवाल बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं सारे लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विधायक मैडम अभी सड़क की लड़ाई कुछ दिनों से लड़ रही है पहले से, और बाकी जो यहां पे दल मौजूद है वो भी सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, और शहर में हमारे विधानसभा में मुद्दा बहुत सारे हैं। लेकिन मेरा यहां पे एक सभी से अपील रहेगा, निवेदन रहेगा कि सबसे पहले हमारे यहां जो सड़क बहुत ज्यादा जर्जर हो गई है, जिसके कारण दुर्घटना और मौत हो रही है और धूल प्रदूषण हो रहा है, तो आप सभी से मेरा निवेदन होगा, अपील होगा कि आप सब आपस में संकल्पित हो जाएं, संकल्प लेके यहां से जाएं कि हमारे शहर का रोड कैसे बने। यह मेरा अपील है, किसी का और आरोप नहीं है, तो मेरा निवेदन रहेगा सबसे पहले बने। और भी सवाल जिनके भी हैं जी। मैं वर्तमान विधायक मैडम जी से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, भाई समय कम है जी। पहला सवाल जी, अगर हाँ। आप में विकास कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो आपको धरना विधानसभा में देना चाहिए, रत्ना बांध में देना चाहिए। क्या ट्रैफिक पुलिस आके आपका मांगा पूरा करेगा? दूसरा सवाल, हमारे विधायक महोदय प्रदेश की सबसे निष्क्रिय विधायक है, जो खुद के विधानसभा में उसको धरना देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, आपने कुछ समय पहले आरोप लगाया होरा जी पर कि मेरा 7 करोड़ का काम उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया, ठीक है? तो मैं ये आरोप अभी उनके पर भी लगाना चाहता हूँ। अगर आपने विकास कार्य करने इच्छा शक्ति रहती तो मंत्री जी से आप हाथ जोड़ के कहते कि मेरे विकास कार्य कर दो, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आपकी भाषाशैली ऐसी है कि मंत्री जी मेरा काम कर दो वरना मैं आपके हाथ उखाड़ दूंगी। ये हमारे पास विधायक देखिए, एक चीज मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आते जाए। बिल्कुल आप, लेकिन मैं सवाल ले रहा हूं रंजना जी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हम अपनी भाषा शैली सदैव मर्यादित रखें और मर्यादित होकर ही बोलें, क्योंकि हमारे इसी शब्दों से मंत्र बनता है, इसी शब्दों से गालियां बनती हैं, इसलिए आप इस बातों का ध्यान रखें। रंजना जी, जो बातें कही गई आपके व्यवहार को लेकर, जो बातें आपके कहा जाए कि आपको उसके लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने ही विधायक होते हुए धरना देना पड़ रहा है, जो आरोप लगा है, हम उस पर आना चाहते हैं। संदीप जी विपक्ष में हैं, हाथ कई बार जोड़ लिया, आपने सदन में भी देखा है, हम तो मिन्नतें करते रह गए सरकार से, क्या किया धमतरी, हंसी लाई जीरो। हाथ जोड़ के जब मिन्नतें की तो हंस लाई जीरो, अब सदन में जब बोलना शुरू किया तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये देंगे हमको। हमने सदन में जब आग्रह किया मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हाथ जोड़े, भैया हम धमतरी में विपक्ष में, तो क्या हुआ? इस जनता ने हमको भी वोट देकर यहां तक पहुंचाया है, हमारी भी जनता का अधिकार है। और एक विधायक यदि अपने विधानसभा में धरना देती है तो क्या उसका अधिकार नहीं है वो प्रशासन के खिलाफ ना बोले? जो शासन के निर्देश में ये गलत तरीके से जो प्रशासन चल रहा है, क्या हम उसके खिलाफ ना बोले? हमारा अधिकार नहीं है, हम विपक्ष में नहीं है, हम कहां बोलेंगे आप बताइए? नहीं, वो कह रहे स्वास्थ्य मंत्री जी से यदि विनम्रता से बात कही जाती तो शायद काम हो जाता। स्वास्थ्य मंत्री जी तो अब डिप्टी सीएम बन गए जी, अब वो कहां सुनने वाले, वो तो लालसा में थे सीएम बनना था उनको, अब वो बन गए डिप्टी सीएम। घोषणा पत्र से बाहर कर दिया, 8 महीने घूम घूम के घोषणा पत्र बनाया, 8 महीने तक घूमते रहे, और सीएम की जो ख्वाब था जब समय आया तो बाहर कर दिए गए। अब वो कहते हैं कि आपके यहां से मांग नहीं आई, तो कौन झूठ बोल रहा है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो फिर डिप्टी सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? और हम विपक्ष में हैं, हमारा अधिकार है धरना देना। जो शासन जिस तरह प्रशासन को अपने घोड़े की तरह नचा रही है उसके खिलाफ हम धरना दे रहे थे और देंगे, धरना दे रहे थे। गुरमुख सिंह जी, जो रैक की बात आई, जो 12 मंजिला जो बहुमंजिला इमारत की बात आई, ये सब चीजें ये है कि आप यदि प्रयास करते तो शायद ये बात आगे बढ़ जाती, काम हो जाता। सब जो प्रश्न आ रहे हैं उसके बीच में यही है कि यदि आप चाहते तो धमतरी के लिए, यदि आप सीएम साहब से और तमाम जो बड़े लोगों को, कि ऐसा नहीं है गुरमुख सिंह होरा प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, तो शायद वो काम हो सकता था। आपका क्या कहना है, आपके प्रयासों के बारे में आप बताइए। ऐसे मामला कौन सा जी, कौन सा मामला जो काम नहीं हो सका?
रेक पॉइंट जी, रेक पॉइंट के लिए जो काम हो रहा है अभी अभनपुर तक के पहुंच रहा है, आगे की भी कार्रवाई हो रही है। मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया कि आप मेरे पेपर देख लेंगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। मैं बोलना कम चाहता हूँ, काम करना जानता हूँ, और काम करने का तरीका जो है मेरे पास है, मेरे पास रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड आप देखें जी, रिकॉर्ड अगर आप देखें तो मेरा समझता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए बात लंबी हो गई है जी, और यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे पर ये देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा 15 साल भाजपा की सरकार थी, आज 5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को। आप समझिए किसी काम को करने के लिए साफ नियत की जरूरत है। अगर सरकार चाहती, अगर विधायक जी चाहती तो कोई काम नहीं रुकता। मेरा ये मानना है, दोनों दलों से मेरा निवेदन है, धमतरी की जनता चाहे छत्तीसगढ़ की जनता, किसी भी मुद्दे के लिए जनता को सर्वाइव करना ना पड़े। अगर आप में साफ नियत है तो आप एक दूसरे से बात करिए, ना कि राजनीति करिए। जहां भी राजनीति होगी वहां पे जनता का काम नहीं होगा। मैं पंजाब को धरना देना चाहूंगा, पंजाब में विपक्ष है, हमारी सरकार जिस दिन बनी हमने जो रेत का मामला है, पंजाब में बहुत सारे अवैध रेत कारोबार होते, आज सरकार खदान चला रही है, आज लोगों को फिक्स रेट में रेत उपलब्ध किया जा रहा है, अवैध रेत खनन बंद है। जिस दिन हमारी सरकार बनी हमने बिजली बिल फ्री कर दिया, छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है। अगर आज सरकार चाहती तो झटके में बिजली मुफ्त मिल सकती। आज किसकी बात कर रहे हो, मुझे पुलिस दे दो, आज एक बार छत्तीसगढ़ की पुलिस दे दो। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई नेता नहीं है जो बाहर होगा, छत्तीसगढ़ का हर नेता जेल में होगा। अंतिम भाजपा का अंतिम में गदर जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है, कुछ सवाल जो है जी, अगले दिन सारे नेता जेल में होंगे, पुलिस साथ में दे दो, आप बैठेंगे। देखिए आप उठ के बार बार आएंगे तो कोई भी जवाब नहीं मिलेगा जी। मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये जो मेडिकल कॉलेज और भाजपाई बार बार बात कर इन्हीं के मंत्री बाजू के अजय चंद्राकर जी जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने मेडिकल कॉलेज की मांग क्यों नहीं की। यहाँ के जो भी धमतरी के जो मिलना था नवोदय विद्यालय वो अपने कुरुद विधानसभा में ले गए, धमतरी को तहसील बना दिया, और ये सब ये जो विधायक और भाजपा कार्यकर्ता है उस मंत्री की चरण वंदना करते हुए आज तक धमतरी को ये लोग धोखा दे रहे हैं। ठीक है अंतिम जी एक सवाल। मैं आपको आज यहाँ पर रंजना साहू जी का परिचय देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में 528 सवाल के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक प्रश्न लगाने वाली पहली महिला विधायक जिनको उत्कृष्टता का सम्मान मिला है वो इसका ये सम्मान सिर्फ रंजना साहू जी को जी। ठीक है, आप अपनी जगह में बैठिए जी। मेरा धमतरी में 20 से 25 हजार पंजीकृत हैं बेरोजगार, 20 से 25 हजार लोगों के बेरोजगार के लिए भाजपा और कांग्रेस उनके लिए क्या व्यवस्था की है। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि गदर का अंतिम पड़ाव है, इस पड़ाव में हम कोशिश करें जितने सवाल जो आए हुए हैं जी, मैं आपके पास आऊंगा, जितने भी सवाल आए हैं उसका सारांश में आप सभी से उत्तर चाहिए, साथ में ये भी उत्तर चाहिए कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में रंजना साहू जी की क्या तैयारी है, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, और गुरमुख सिंह होरा जी की क्या तैयारी है। लेकिन उसके पहले हाँ, ये गौरव की बात है कि उत्कृष्टता सम्मान जो है इस बार रंजना साहू जी को मिला है, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये धमतरी के लिए गौरव की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अब सवाल आता है कि 2023 का विधानसभा चुनाव और उसके अलावा जो सवाल आपके सवालों को लेकर उठे हुए हैं, सवाल जो यहाँ की सड़कों को लेकर उठे हुए हैं, सवाल यहाँ के विकास को लेकर उठे हुए हैं, सवाल यहाँ औद्योगिक पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर और तमाम इसके जो सवाल उठे हुए हैं उसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ। ये जवाब जो आपका रहेगा जनता तक पहुँचेगा आने वाले साल, आने वाले समय के 2023 के विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले रंजना जी, दो सवाल हमारी जनता के युवा साथियों के रहे, शायद आप इस मंच से पूछना भूल गए, लेकिन मैंने उनके प्रश्न को यहाँ पर सुना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सड़कों के लिए हम रोज धरने पर बैठे,
चाहे वो अवैध रूप से रेत खदाने चल रही है, चाहे अवैध प्लाटिंग चल रही है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये सत्ता में है फिर भी ये आवाज नहीं उठाए। हम तो विपक्ष में हम आवाज उठाएंगे। आपको बता दूं मैं, जब 4 लेन की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको दी, बाईपास हमारा बनना शुरू हुआ, तो हमने आग्रह किया कि ये जो एनएच का जो रोड है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर करने के पहले ये रोड हमको बना कर दीजिए। केंद्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दी और 16 करोड़ की राशि इस प्रदेश की सरकार को दी इस रोड को बनाने के लिए। एक वर्ष हो गया है, आप फाइलें खुलवा लीजिए। एक वर्ष से हमने 16 करोड़ रुपए माननीय केंद्र मंत्री से राज्य के शासन को दिलवाया, लेकिन इनकी इतनी बखत नहीं है इनकी कि ये टेंडर लगवा सके। एक टेंडर नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा टेंडर? एक हर सरकारी अधिकारी जान गया है भैया टेंडर में घपले हैं। जब तक इनको कमीशन नहीं पहुंचेगा ये काम नहीं करेंगे। इस तरह की सरकार चल रही है। 16 करोड़ रुपए का ये टेंडर लगा नहीं पाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य के प्रति बड़े चिंतित हैं वो मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं, वो बहुत स्वास्थ्य में काम करते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, डेथ बॉडी है उनको ले जाने का काम करते हैं, उनकी चिंता बड़ी जायज़ है। लेकिन मैं बताती हूँ, 200 बिस्तर अस्पताल है धमतरी के जिला, आस पास के 3 जिले हमारे धमतरी में आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन डायलिसिस की शुरुआत की और पहला धमतरी जिसमें केवल 1 रुपए में डायलिसिस होगा, केवल 1 रुपए में ये हमको मिला। फ्री में हमने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध, ट्रामा सेंटर आप ले लीजिए, सोनोग्राफी हमने यहाँ पर शुरू कराया। लेकिन 10 साल यदि यहाँ के लोगों को जो मुगालते पे रखा, 10 साल से जो 4.5 साल बाद फिर आ जाते हैं कि नहीं हम धमतरी वासी हैं, तो मैं आपको बता दूं, संदीप जी सुनिएगा, 200 बिस्तर अस्पताल 300 नहीं हो सका। लेकिन अब चूंकि जनता की परेशानी है, हमारा भाई बताता है रोज रिफर कर दिया जाता है, तो उसके लिए हमने 5 करोड़ की स्वीकृति दिलाई है। 5 करोड़ की स्वीकृति हमने केंद्र से दिलाई है कि यहां पर व्यवस्थाएं बनाई जाए। ठीक है, लास्ट में ये है कि 2023 में जो है आप क्या कहना चाहेंगी जनता को, धमतरी की जनता को 2023 के चुनाव के लिए? मैं धमतरी की जनता को बहुत नमन करती हूँ, आपको सादर वंदन करती हूँ, और आपके सहयोग से, आपके आत्मविश्वास से, आपने जो इस मंच पर खड़े होने का अवसर जो धमतरी की जनता ने दिया है, मैं नतमस्तक हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। और 2023 में आपसे मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है और पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और धमतरी के जो रुके विकास है उसको आपके सहयोग से, आपके दम से, आपकी ताकत से, आपके ओजस से, आपके तेज से, हम सारे रुके काम को हम धमतरी के करेंगे। ठीक है, गुरमुख सिंह होरा जी, सवाल बहुत सारे आए, आपको लेकर भी सवाल आए, आपके 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल आए, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है, विकास की भी बात आई, सड़कों की बात आई, औद्योगिकरण की बात आई, आपका क्या कहना है और 2023 के चुनाव के लेकर आपका क्या कहना है धमतरी की जनता को? धमतरी की जनता को यही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से विकास के काम मैंने किए हैं उस विकास की बात हम रखेंगे। जिस तरीके से हमारी सरकार ने आज काम किया है, चाहे किसी भी मामले में ले लें, उस हर मामले में भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। हम उसी विश्वास के साथ जनता के बीच जाएंगे, चाहे किसान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे संस्थाओं की बात हो, हर संस्था और विधायकों के काम पे हम जनता के बीच जाएंगे। और निश्चित ही जनता हमें विश्वास रखती है। पहले हमने 75 सीट पाई थी और बीजेपी को 14 सीट पर रोक दिया था, अब काम किया है, अब 75 से हम पार होंगे और निश्चित ही हम समझते हैं कि हमारी सरकार 75 से पार जाएगी। और रहा केंद्र का सवाल, तो आज केंद्र की आप बातें सुन रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर आ रहा है, निश्चित हम इस स्थिति में जीतेंगे और हम 75 से पार करेंगे। यही हमारा एक जो हमें मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस काम पे हम विश्वास करते हैं और निश्चित ही उसका हमें लाभ मिलेगा और वो लाभ जनता को मिलेगा, हमें नहीं। हम तो जनता के सेवक हैं और जनता के काम के लिए लगे रहते हैं और जनता के लाभ दिलाना हमारा कर्तव्य है, यही कहूँगा जी। आपका क्या कहना है आम आदमी पार्टी को 2023 के चुनाव में?
देखिए संदीप जी, आम आदमी पार्टी लगातार संगठन को विस्तार करने का काम कर रही है। अभी हर गांव में हम ग्राम समिति का निर्माण कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इस बार धमतरी की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और ईमानदार सरकार के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, अरविंद केजरीवाल को मौका देंगे। आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर परिवार को निशुल्क स्वास्थ्य मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है हर परिवार को मुफ्त बिजली मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है हर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। ये आम आदमी पार्टी चाहती है। हम चाहते हैं अच्छी सरकार चले, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता ना हो, लोगों को प्यार मोहब्बत से सरकार चले और लोगों को हर सुविधा मिले। ये आम आदमी पार्टी प्यार मोहब्बत से सरकार चले। जी धन्यवाद। प्यार मोहब्बत से सरकार चले। वास्तव में राजनीति अपनी जगह है और जो है प्रेम और हमारे जो संस्कार, जो हमें हमारी जो परंपरा है छत्तीसगढ़ की, वो अपनी जगह है। माता विंध्यवासिनी, माता बिलाई, माता के करीब हम जो है आज ये सब चर्चा कर रहे थे। माता भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। और एक निवेदन हम ये भी करना चाहते हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये महाअभियान है कि हमारा अभियान आप करें मतदान, तो अधिक से अधिक जो है आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें आपको मतदान करना है। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आप देखते रहिए गदर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आभार धमतरी।